नमस्कार, जेड न्यूज डिजिटल मीडिया से मैं पंकज कुमार, डेली न्यूज एनालिसिस डीएनए में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए अब बात करते हैं आज तारीख 17 जनवरी 2020 के दैनिक समाचार एवं संपादकीय पेज के सारांश पर। कश्मीर पर भारत को मिला सभी बड़े देशों का साथ, सुरक्षा परिषद में मुद्दा उठाने की चीन और पाकिस्तान की कोशिश नाकाम, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भारत के साथ, चीन पड़ा अकेला। राजनयिकों को कश्मीर का दौरा कराने से बदली कई देशों की सोच, इमरान को भी न्योता देगा भारत पर आने के आसार नहीं, ओआईसी के लिए जरूरी होगा ईरान का सहयोग। गरजे बादल, बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, मकर संक्रांति के बाद मौसम का मिजाज बदला। निर्भया के गुनहगारों के डेथ वारंट पर रोक, 21 जीवन रक्षक दवाएं 50% तक महंगी, बीसीसीआई के करार से धोनी बाहर, भविष्य पर सवाल क्योंकि नियमानुसार उन्होंने ना तो 3 टेस्ट मैच खेला और ना ही 8 वनडे और ना ही T20 मैच खेला। सदन में व्यवधान रोकने को कड़े नियम बने, बिरला ने कहा। बैंकों के खिलाफ यूपी में सबसे ज़्यादा शिकायतें आईं, जिसमें यूपी में सबसे अधिक कुल 13,475 शिकायतें दर्ज की गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व 80 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए गुरुवार को स्वतंत्र देव ने नामांकन किया। सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग को मिल रही है विदेशी मदद, खेल मंत्रालय के किरण रिजिजू ने कहा। ट्रस्ट बनने के बाद संघ का हस्तक्षेप नहीं, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ओम प्रकाश बिरला ने कहा, सदन में मर्यादा का पालन जरूरी। एयर एशिया के सीईओ से होगी पूछताछ, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी कर सीईओ टोनी फर्नांडीज को 20 तक तलब किया। ब्रू जनजाति के लोग अब त्रिपुरा के होंगे निवासी, जिसमें मिजोरम से भागकर आए और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे 30,000 से अधिक ब्रू जनजाति को अब वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किया K9 ब्रज टैंक, लार्सन एंड टर्बो ने बनाया टैंक जो जैविक हमलों से रहेगा सुरक्षित, 40 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम। जेल में ही रहेंगे बैंक घोटाले के आरोपित HDIL के प्रमोटर, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। पीएमसी बैंक की कर्ज वसूली के लिए HDIL की संपत्तियों को बेचने का आदेश बरकरार। फिल्म तान्हाजी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज, पानी बचाने पर कांग्रेस देगी 30 पैसे प्रति लीटर का कैशबैक, प्रियंका होंगी कांग्रेस का ट्रंप कार्ड। भारत में निवेश अमेजन का एहसान नहीं, पीयूष गोयल ने कहा, और आगे कहा कि घाटे की भरपाई के लिए हुए निवेश से देश को कोई लाभ नहीं होगा। लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट पर दिया जोर, अनुराग ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर ने मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सम्मेलन में कोलकाता में यह बात कहा। टेलीकॉम कंपनियों को कोर्ट से झटका, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को 23 जनवरी तक अदा करने होंगे 1.47 लाख करोड़। अब सरकार से टेलीकॉम कंपनियों को है खास उम्मीद, जिसमें लाइसेंस शुल्क में कमी व इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना का ऐलान संभव, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के 1.47 लाख के बकायों के अलावा उद्योग पर है 8 लाख करोड़ का कर्ज। 3% की विकास दर को भी पार करेगा कृषि क्षेत्र, निजी निवेशकों की बिक्री से बाजार की श्रृंखला में शामिल करने की जरूरत, कृषि में कानूनी सुधार के लिए राज्यों को आगे आना होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज, पिछले मैच में मिली शर्मसार करने वाली हार के बाद टीम इंडिया जीत को बेताब। तो आइए अब बात करते हैं दैनिक जागरण के संपादकीय पेज की। इतिहास के पुनर्लेखन में देरी नाम से लेख छपा है, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर मक्खनलाल जो कि इतिहासकार हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि भारतीय इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ, इसमें और देर भी नहीं होना चाहिए। पिछले शनिवार को कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने जिस व्यथा से भारतीय इतिहास एवं विरासत की दुर्दशा पर चर्चा की, उस पर एक देशव्यापी चर्चा आवश्यक है। उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद देश का जो इतिहास लिखा गया
उसमें कुछ अहम पक्षों को नजरअंदाज किया गया। इतिहास का लेखन एवं विश्लेषण सत्ता और सिंहासन तक ही सीमित रह गया। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के 1903 में भारतवर्ष का इतिहास विषय पर शांति निकेतन के भाषण का जिक्र किया। उन्होंने बड़ा साफ ही कहा कि भारत का इतिहास वह नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए किताबों में पढ़ते हैं और याद करते हैं। जैसा कि कुछ लोग बाहर से आए और सिंहासन के लिए पिता पुत्र भाई और स्वजनों की हत्या करते रहे इत्यादि, यह भारत का इतिहास नहीं है, क्योंकि इस इतिहास में यह जिक्र नहीं है कि तब भारत के लोग क्या कर रहे थे, क्या उनका कोई अस्तित्व था नहीं था, क्या उनका साहित्य, कला, लोक कला, विज्ञान, स्थापत्य, दर्शन, शिक्षा, जीवन शैली आदि का भी कोई ऐतिहासिक वर्णन हमें मिला नहीं मिला। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास के पुनर्लेखन में इन सभी बातों के समावेश की जरूरत बताई। इस तरह की बातें पहले भी अनेक अवसरों पर कही जाती रही हैं। राष्ट्र के जीवन में इतिहास का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि 1990 के बाद कनाडा की संसद की संतुष्टि पर इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया, क्योंकि वहाँ के स्कूलों में पर्याप्त कनाडाई इतिहास छात्रों को इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए उन्हें अतीत का कुछ ज़्यादा पता नहीं था और ना ही कनाडा के सकारात्मक पहलुओं का उन्हें कुछ पता था। और भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो इतिहास की किताबें और इतिहास लेखन सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। हाल ही में मीडिया में यह बात तब आई है जब NDA सरकार ने NCERT के किताबों को राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के लिए नियमित करने को कहा। विपक्ष को और किसी विषय के पाठ्यक्रम को संशोधित करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के पुनर्लेखन पर वो उबल गए। तो फिर ऐसा हुआ कि पहले के इतिहास लेखक और प्रख्यात इतिहासकार एवं उनके समर्थकों ने एक अभियान शुरू कर दिया कि पुराने इतिहास को संशोधित नहीं किया जा सकता, और उन लोगों ने उसे नकारना शुरू कर दिया क्योंकि ये पुस्तकें वामपंथ से अलग हटकर लिखी जानी थी और गुरुदेव टैगोर के सुझाए मार्ग पर थी। दुनिया भर में लगभग हर देश, शहर और गाँव में लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अतीत में बड़ी संख्या में मौजूद इमारतें या भवन बनाई गई जो अब विलीन हो चुकी हैं। कुछ का वजूद मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों, घरों, सार्वजनिक भवनों इत्यादि में शेष रहा है, परंतु अधिकांश प्राचीन समाजों में बनी ऐतिहासिक इमारतें अब विलुप्त हो गई हैं। इसके अलावा सरकारों, राजनीतिक विचारों, धार्मिक विश्वासों, कला, वास्तुकला, सांस्कृतिक प्रथाओं, शैक्षिक प्रणालियाँ, रीति रिवाज और व्यवहारिक प्रणालियाँ इत्यादि अतीत के ही विकल्प हैं। वास्तव में अतीत हमारी धरोहर है और हम इसका हिस्सा है, चाहे वह संस्कृति, व्यवहार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक और आर्थिक ही क्यों न हो। हमारा अतीत और हमारी धरोहर हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में परिलक्षित होती है और हम अतीत से जुड़ जाते हैं। दुनिया भर में उपनिवेश के अनुभव ने एक शक्तिशाली संस्कृति को बढ़ावा दिया तथा दूसरी संस्कृति को नष्ट या प्रभावहीन कर दिया। उदाहरण के लिए भारतीय वैदिक एवं ब्राह्मण साहित्य को कल्पना घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसने ब्रह्मांड की कल्पना अरबों खरबों साल की कर ली थी, जिसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड की रचना 23 अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व प्रातःकाल 9 बजे हुई थी, तो अंग्रेजों ने इसे सिरे से नकार दिया। अतीत की व्याख्या, रिकॉर्डिंग, प्रबंधन और सुरक्षा के तरीके भी संस्कृतियों के बीच भिन्न होते हैं। लोग अपने अस्तित्व को अपनी दुनिया के अनुसार देखते हैं और सृजन की कहानी को परिभाषित एवं प्रबंधित करते हैं। और यूनेस्को भी कहता आ रहा है कि शिक्षा की जड़ें सांस्कृतिक परंपरा में होनी चाहिए और उसका उद्देश्य श्रेष्ठ और सभ्य मानव का निर्माण करना होना चाहिए। तो डेली न्यूज एनालिसिस में बस आज इतना ही।